नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली एमसीडी के सदन में आज वो हुआ जिससे कि लोकतंत्र शर्मसार हुआ। जी हाँ, चुनाव होना था मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का, और हो गई मारपीट। तो लोकतंत्र तो शर्मसार होगा ही, कुछ पार्षद पहुंच गए हैं अस्पताल। दरअसल जो चुनाव हुआ था एमसीडी का, उसमें आम आदमी पार्टी 134 सीटों के साथ जीती थी, एकदम क्लियर कट बहुमत, 250 में से 134 सीटें। उसी दिन से ये खबरें चलने लगी, बीजेपी दावा करने लगी कि मेयर तो हमारा होगा। किस गणित से वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मेयर हमारा होगा। बाद के दिनों में बीजेपी ने यू टर्न लिया और सदन के नेता हैं विधानसभा में विपक्ष के रामवीर सिंह विधुड़ी, उन्होंने जो है कहा कि हम मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, आम आदमी पार्टी जीती है, वो अपना मेयर डिप्टी मेयर बनाए और दिल्ली को साफ सुथरा जो वायदे किए हैं वो पूरा करे। लेकिन इसी बीच फिर से बीजेपी ने पलटी मारी और उसने अपना मेयर डिप्टी मेयर उम्मीदवार उतार दिया, रेखा गुप्ता को मेयर का कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब क्या होता है कि 10 जो है एल्डरमैन कौन होते हैं, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनको एल्डरमैन के रूप में नियुक्त करते हैं उपराज्यपाल। वो बीजेपी ने नियुक्त करा दिया उपराज्यपाल से। उसमें क्या होता है कि जो एमसीडी का कमिश्नर होता है उसके थ्रू पूरा प्रोसेस होता है, और 14 विधायक जो है, जो नियम है उसके मुताबिक, उसमें से 13 आपके और एक जो है बीजेपी का, वो उनको अधिकृत कर दिया गया नगर निगम के लिए। तो इस तरीके से, और 10 सांसद, तो टोटल संख्या इनकी पहुंच गई 250 तो सदन की और सब कुल संख्या है जिस पे चुनाव हुआ है। 10 सांसद जोड़ दीजिए तो 260 हो गया, और दो जो 14 विधायक जो है भेजे गए हैं वो मिला देंगे तो 274 हो गया। एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आज जब शपथ दिलाने की बारी आई तो फिर दूसरा बिंदु जिस पे कि विवाद हुआ, सत्या शर्मा को इन्होंने, जो पीठासीन अधिकारी होता है, वो उपराज्यपाल ने नियुक्त कर दिया। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि सबसे सीनियर तो मुकेश गोयल हैं और परंपरा यही रही है कि सबसे सीनियर को पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है ताकि वो पार्षदों को शपथ दिलाया लिया जाए, उनको होना चाहिए, लेकिन उपराज्यपाल ने नहीं माना। दूसरा विवाद इसको लेकर के हुआ। बहरहाल मजबूरी में ही आम आदमी पार्टी ने मान लिया सत्या शर्मा अपना सदन संचालित करें। तो अब क्या है कि जो जनता से चुन करके आए हैं उनको पहले शपथ होनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी का, जैसा कि दावा है वो कह रही है, और जो एल्डरमैन है उनका बाद में हो जाता। लेकिन सत्या शर्मा ने एल्डरमैन से ही शुरुआत कर दी और 4 को शपथ भी दिला दिया। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के जो पार्षद चुन के गए थे वो करने लगे हंगामा, हो गई हाथापाई मारपीट। देखिए सदन में क्या हो रहा है। इसके बाद ये कुछ पार्षद जिनको चोट लगी वो पहुंच गए अस्पताल, एमएलसी वगैरह हुआ, वो भी देख लीजिए। अब सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। आपको बता दें कि एमसीडी में जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के मुताबिक जो कार्यकाल होता है मेयर का वो 31 मार्च तक ही होता है, यानी ये 3 महीने के लिए मेयर का चुनाव हो रहा था, और पहला साल जो होता है वो महिला के लिए होता है। तो दोनों तरफ से महिला उतरी थी, रेखा गुप्ता और ओबराय, शालिनी ओबराय। अब कार्रवाई स्थगित हो गई, तो 3 चुनाव रुक गए। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के कुल 18 सदस्य होते हैं, 12 जो है जून से होते हैं और 6 का चुनाव होता है।
तो उनका भी चुनाव नहीं हो पाया। अब इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि इनका मेयर, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव कब और कैसे होगा। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या फैसला होता है। बहरहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है तो फिर आम आदमी पार्टी को किस बात की चिंता है, आम आदमी पार्टी के पास कैसे बहुमत है, जरा आप वो सुन लीजिए। 134 इनके पार्षद हो गए, 13 इनके विधायक हो गए जिनको कि मनोनीत किया गया और उनको वोट देने का अधिकार है। तो 134 और 13 जो हो गए 147 और 3 इनके राज्यसभा के सदस्य हैं तो 150 इनके पास हो गया। उधर कितना चाहिए जीत हार के लिए, तो कुल जाकर संख्या बैठ रही है 274। तो 274 को जब आप डिवाइड करेंगे आधे से तो फिर ये संख्या आ करके बैठेगी। तो 138 चाहिए और आम आदमी पार्टी के पास 150 की संख्या है। तो यदि वैसे फ्लैट देखेंगे तो आम आदमी पार्टी चुनाव में जीती भी है और यहाँ पर भी उसके पास संख्या बल है। बीजेपी क्या चाहती है कि क्रॉस वोटिंग हो, जैसे कांग्रेस ने कह दिया उसके 9 पार्षद हैं कि वो इसमें भाग नहीं लेंगी, या जैसे भी हो वो जो है इनके मेयर डिप्टी मेयर को रोके। लेकिन लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी के मेयर डिप्टी मेयर को वो रोक पाएगी। खेल बीजेपी करना चाहती है स्टैंडिंग कमेटी में, और कहा यह जा रहा है कि जो 12 जोन है 12 जोन में से 7 जोन में ये जो है अपना चेयरमैन बना ले जाएगी। तो यदि ऐसे होता है तो फिर वहाँ पे वो बहुमत में आ जाएगा, और ऐसे ही स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में भी ये खेल कर देते हैं तो वहाँ पे भी इसका बहुमत हो जाएगा। ये इस जुगाड़ में लगे, और स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में सबसे पावरफुल बॉडी होती है, वहीं से सारे डिसीजंस होते हैं। तो एक तरह से होगा क्या कि बेशक आम आदमी पार्टी जीती है लेकिन कुंजी चली जाएगी, सत्ता की कुंजी चली जाएगी बीजेपी के हाथ में। आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर परेशान है, और बीजेपी जो है ये साफ साफ बहुमत देखने के बावजूद मानने को तैयार नहीं है कि हाँ हम हार गए हैं और आपको सब कुछ सौंप देते हैं कि अब दिल्ली को चमका करके दिखाइए। देखते हैं कि ऊँट जा करके किस करवट बैठता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इनका।